चराई भूमि, इसके अंतर्गत वह भूमि सम्मिलित की जाती है जो स्थायी चारागाह क्षेत्र तथा किसी भी प्रकार की चराई भूमि होती है। यह भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए है। यहाँ पशुओं को चराया जाता है एवं जलावन के लिए लकड़ी भी प्राप्त होती है। भारत में 1950-51 से 1970-71 में इसमें वृद्धि हुई, किंतु विगत 40 वर्षों में इसमें कमी आ रही है। इस भूमि के कम होने का प्रतिकूल असर सबसे गरीब परिवारों पर पड़ता है, जिनके लिए पशुपालन एवं कृषि जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है। चराई भूमि के कम होने का एक प्रमुख कारण अतिक्रमण कर दूसरे कार्यों में उपयोग करना है। 2.2 सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण। सरकार का यह अधिकार है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए अगर किसी निजी व्यक्ति या गांव की जमीन की आवश्यकता है तो सरकार उन्हें उचित मुआवजा देकर अधिग्रहित कर सकती है। इस कानून की मदद से सरकार विभिन्न उपयोगों जैसे सड़क, रेल मार्ग, हवाई अड्डे, खदान, औद्योगिक क्षेत्र, अस्पताल, दफ्तर, बांध आदि के लिए जमीन की व्यवस्था करती है। अक्सर इस काम के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जमीन की जरूरत होती है। यहाँ तक कि कई गांवों के लोग इससे विस्थापित हो सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि ऐसे में उचित मुआवजा कैसे तय किया जाए, इसको लेकर विवाद रहा है। 2013 में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कानून बना जिसका नाम है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में बॉक्स में पढ़ें, शिक्षक के साथ चर्चा करें। भू अधिग्रहण अधिनियम 2013। इस अधिनियम में भूमि अधिग्रहण के साथ साथ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना का भी प्रावधान है। निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारियों के इस्तेमाल हेतु भूमि के अधिग्रहण के मामले में 80% विस्थापित व्यक्तियों की सहमति अपेक्षित है। विस्थापित या अधिग्रहण द्वारा प्रभावित परिवारों में संबंधित भूस्वामियों के साथ साथ वे सभी लोग भी सम्मिलित होंगे जो उस जमीन से अपनी आजीविका पाते थे, जैसे मजदूर, बटाईदार, चरवाहे, आदिवासी आदि। केवल अति विशेष परिस्थितियों में ही बहुफसलीय व संचित कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग के लिए अधिग्रहित किया जा सकेगा। अधिग्रहण से पूर्व उस जमीन के उपयोग के परिवर्तन का सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। भूस्वामियों व अन्य को उचित मात्रा में मुआवजा दिया जाएगा। जिस काम के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है उससे अलग काम भूमि पर नहीं किया जा सकता है और 5 वर्ष से अधिक समय में उस भूमि का उपयोग नहीं होता हो तो उसे पुराने भूस्वामियों को लौटा दिया जाएगा। सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अधिग्रहित भूमि के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं होना है। कई उद्योगपति व सरकारी अफसर जो नए उद्योग लगाने के लिए जमीन चाहते हैं यह शिकायत कर रहे हैं कि इस कानून के कारण उन्हें जमीन मिलना बहुत कठिन और महंगा हो गया है।